व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 7 मार्च को दीवानी न्यायालय परिसर में नियमित लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई कर उनका त्वरित निस्तारण भी किया जाएगा। इस संबंध में सटीवंत संवाददाता से बात करते हुए जिला विधिक न्यायिक सचिव राहुल सिंह ने बताया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 10 अप्रैल 2021 को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन इस दीवानी न्यायालय परिसर में किया जाना है। इसके अतिरिक्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि ऐसे मामले जो विभिन्न न्यायालयों में विभिन्न ट्रिब्यूनल में पेंडिंग पड़ी है, विशेषकर पारिवारिक मामले, MSET से संबंधित मामले, वाणिज्यिक कोर्ट से संबंधित मामले, NI Act के मामले, समनीय आपराधिक मामले, ऐसे मामलों को नियमित रूप से निस्तारित करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत के अतिरिक्त प्रत्येक तीन माह पे त्रैमासिक एक नियमित लोक अदालत की व्यवस्था किए जाने हेतु हमें निर्देश प्राप्त हुआ है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उक्त पत्र के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के दिशा निर्देशन में 7 तारीख को आगामी 7 मार्च 2021 को हम लोग एक नियमित लोक अदालत का आयोजन इस दीवानी न्यायालय परिसर में करने जा रहे हैं। चूँकि हम सभी जान रहे हैं कि अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना है। ऐसी स्थिति में महिला से संबंधित मामलों को भी निस्तारित करने के लिए पारिवारिक न्यायालयों तथा अपर पारिवारिक न्यायालयों में भी एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ये लोक अदालत 7 मार्च को इस दीवानी न्यायालय परिसर में सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आयोजित होना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त वादकारियों से निवेदन करता हूँ कि वो अपने इस मामले को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाएँ तथा इस राष्ट्रीय लोक अदालत में